हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल JDS लॉगरोज में। दोस्तों आज हम जानेंगे यदि आपसे रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उस स्थिति में क्या करें। दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति सड़क पे गाड़ी चला रहा था, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सिक्स व्हीलर, कोई सी भी गाड़ी हो सकती है, चाहे वो बैलगाड़ी ही क्यों ना हो, वो किसी सड़क पे चला रहा था और उससे कोई दुर्घटना हो गया तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों यदि वो व्यक्ति नेग्लिजेंस और रैश ड्राइविंग कर रहा था तो सेक्शन 279 लगेगा उस पर, इसमें 6 महीने के जेल है और कुछ जुर्माना है। यदि मान लीजिए उससे कोई आदमी भिड़ गया या कोई ऐसी चीजें हो गई और उसको चोट लग गया थोड़ा सा, तब उस पर सेक्शन लग जाएगा 337, इसमें भी 6 महीने की जेल होती है और मामले से जुर्माना होता है। यदि मान लीजिए दोस्तों बहुत ज्यादा चोट लग गया किसी को, गंभीर चोट लगी, फ्रैक्चर आ गया, हाथ टूट गया वो, तो 338, ये सारे सेक्शंस में आईपीसी के बता रहा हूं, आईपीसी का सेक्शन 338 लग जाएगा उस पर। इसमें क्या होता है दोस्तों, 2 साल की जेल हो जाती है और कुछ जुर्माना लग जाता है। अब मान लीजिए दोस्तों कि वो इतनी तेज गाड़ी चला रहा था या इतनी रफ्तार में था कि उससे अगला बंदा जो सामने आया वो मृत्यु हो गया, यानी वो मर गया, तो इसमें उस पर सेक्शन 304A ऑफ आईपीसी लगेगा, यानी मर्डर करने का कल्पेबल होने से। तब उसके खिलाफ जो है वो 2 साल का जेल और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। दोस्तों ज्यादातर हम देखते हैं कि कई बार हम गाड़ी वाड़ी लेके जा रहे हैं, चीजें हो रही है और हमसे भी एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चोट वोट लग जाता है, तो उस स्थिति में मैं आपको स्पष्ट बताता हूं और बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कभी भी आपको भागना नहीं है, वहां पर डट कर रहना है। जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ यानी जाने अनजाने में आपसे लग गया है, लगेगा अनजाने में ही, जानबूझी तो आप मारेंगे नहीं, अनजाने में लग गया उसको, तो उसको मेडिकल केयर दे, जल्दी तुरंत हॉस्पिटल लेके जाए, ये नहीं कि मार के और आप भाग जा रहे हैं, तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से, जिस प्रोसीजर से उसको फॉलो करना था वो नहीं होगा, आपके साथ एक दोषी की तरह सलूक किया जाएगा पुलिस द्वारा। तो कभी भी अगर आपसे कोई भी दुर्घटना हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, आप भागेंगे नहीं, वहीं पे रहेंगे, जिसको चोट लगी उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उसका इलाज कराएंगे, क्या पता इसी से उसके दिल में आपके लिए प्यार जग जाए, वो अपनी कंप्लेंट ना करे, वापस ले ले, आपको माफ कर दे। एवं दोस्तों कई स्थिति में ऐसा होता है कि गाड़ी जब्त कर लेते हैं, कई लोगों का सवाल आता है कि हमारी गाड़ी ले गए, मेरे खुद की दोस्त के भी रिसेंटली ऐसा ही कुछ दुर्घटना हुआ, उसकी गाड़ी सीज कर दी थी, तो मैंने उसकी गाड़ी वाड़ी छुड़वाई और उसको भी जेल से मुक्त करवा दिया, केस जो है वो सेटल करवा दिया। तो उसमें मैंने क्या किया, जो उसकी गाड़ी जब्त हुई थी उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, या तो आपके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स उसमें मिस होंगे, इंश्योरेंस नहीं होगी, कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे, आरसी नहीं होगी, किसी और के नाम पे होगी, या एक्स वाई जेड कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका 19-20 है तो वो गाड़ी आपकी सीज हो जाएगी, फिर आपको कोर्ट से उस गाड़ी को छुड़वाना पड़ेगा। और ये जितने भी ऑफेंसेज हुए हैं, यानी रोड पे एक्सीडेंट जितने भी हुए, जो भी मैंने बताया आपको सेक्शन बताया 279, 337, 338, 304A, ये जो है ना ऊपर वाले सारे बेलेबल ऑफेंस थे, यानी इसमें आपको तुरंत बेल मिल जाएगी, थाने से ही मिल जाएगी, मीन्स सिर्फ आपकी गाड़ी को भी सीज कर लेंगे और आपको कह देंगे, नोटिस देंगे कि आप उस दिन फलाना दिन कोर्ट में प्रस्तुत हो जाना, वहां पे कर लेना, वहां पे आपको आसानी से बेल भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इन सब में जो एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है आपको, लेकिन भागना नहीं है, वहीं पे रहना है, उस बंदे के जिसको चोट लगी है उसको मेडिकल तक फैसिलिटीज तक पहुंचाना है, आपको उसकी हेल्प करनी है, उसकी जो भी चोट वोट हुई उसमें नुकसान उसका साथ देना है। तो दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें, हमारी वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बताएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल JDS लॉ गुरुजी, सत्यमेव जयते।